अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अहमद और आप देख रहे हैं बरकी फूड एंड फन। आज की वीडियो का आगाज करते हैं इस दुआ से कि अल्लाह ताला आप सबको हलाल फराक और सुकून वाला रिज्क दे, आमीन। आज हम बना रहे हैं फ्राई लोबिया, रेड किडनी बीन या किडनी बीन या रेड बीन, मुख्तलिफ नाम लेते हैं इसके। तकरीबन 8 से 10 मिनट की रेसिपी है। बेहतरीन किस्म की, शानदार किस्म की लोबिया आपको 8 से 10 मिनट में तैयार मिल जाती है। शुरू करते हैं। ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। आप घी भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। ऑयल मेरा फुल गर्म हो गया था, मिक्स कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, एक से डेढ़ मिनट तकरीबन भुना है, थोड़ा सा पानी शामिल किया है मैंने, इससे इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से तेल में रच बस जाता है। टोमेटो पेस्ट डाला है तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबलस्पून, आप कम भी कर सकते हैं थोड़ा सा। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसके टमाटर का अपना दाना खत्म ना हो जाए। कनोर क्यूब का तकरीबन 1/4 हिस्सा डाला है। नमक हसबे जायका आप डाल सकते हैं, मैंने तकरीबन 1/2 टीस्पून डाला है। मैंने जब लोबिया बॉईल किया था तब भी थोड़ा सा नमक इसमें डाला था। 2 से 3 मिनट टमाटर को भूनेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि इसकी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो जाए और टमाटर का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। चपाती के साथ, पराठे के साथ और वैसे प्लेन राइस के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड बीन मैंने डाल दिए हैं, इनको मैंने 1/2 घंटे का तकरीबन प्रेशर लगा दिया था। शानदार फ्राई लोबिया हमारा तैयार है। कोरिएंडर मैंने छोटा सा बारीक काट के ऊपर डाल दिया है। आप तीखा करने के लिए सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। डिश आउट कर दिया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।